बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू फिज़िक्स विद उमर फारूक एंड ऑनलाइन एनएमडी के टेस्ट डिस्कशन सेशन, टेस्ट नंबर 8, 4 सितंबर 2021। द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ सब्सटेंस अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर इज कॉल्ड करंट, चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड और नन ऑफ अबव। सो द करेक्ट ऑप्शन इन दिस एमसीक्यू डेट इज व्हाट? चार्ज होगा, करंट होगा, या चार्ज होगा, या मैग्नेटिक फील्ड होगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कौन सा प्रॉपर्टी है? शाबाश। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? वो है चार्ज। चार्ज का डिफिनीशन हम कुछ इस तरह करते हैं कि द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल which attract or repel the other material is known as charge। या इस तरह भी हम कहते हैं कि the intrinsic property of a material which influence or experience electric field, magnetic field or both of them is known as charge। ये property है material का, ठीक है, इस property को हम charge कहते हैं। बा स्टूडेंट जो है वो magnetic field को select करते हैं, या इस तरह भी option आ सकते हैं कि एक जो है वो क्या हो, चार्ज मौजूद है, फिर दूसरा मौजूद है इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, तीसरा मौजूद है मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, और चौथा मौजूद है बोथ बी एंड सी। तो अक्सर स्टूडेंट जो है वो बोथ बी एंड सी को टेक करते हैं, लेकिन करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? वो है चार्ज, ठीक है। नाउ सेकंड एमसीक्यूज क्या है? Which wave does not travel in vacuum? Vacuum में कौन सा wave travel नहीं करता? That is sound wave। क्योंकि इसके लिए medium की ज़रूरत होता है, ठीक है, sound waves। अब आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पर transverse wave भी है और light wave भी है, तो इनमें से कौन सा होगा? Sound wave कौन सा wave है? Sound waves है longitudinal wave which does not travel in a vacuum। So option number A is the correct one। नाउ नंबर थर्ड क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी? वेबर, टेस्ला, वेबर पर मीटर, या नन ऑफ अबव। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी किसे कहते हैं? आप लोगों को पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर है बी एन टू ए, या बी बराबर होगा मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। सो मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी विच इज द यूनिट एज टेस्ला। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है? वो है ओहम इज डिफाइंड एज कूलम पर ओल्ट, एम्पेयर पर ओल्ट, ओल्ट पर एम्पेयर, या ओल्ट पर कूलम। सो ओहम क्या है? इट इज़ अ यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। वी इज इक्वल टू आई आर, या आर इज इक्वल टू वी बाई आई। तो यहाँ पे क्या होगा? ये ओल्ट होगा और ये एम्पेयर। सो द करेक्ट ऑप्शन है देयर इज ऑप्शन नंबर सी। CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स वेबर पर मीटर स्क्वायर, गॉस पर सेंटीमीटर स्क्वायर, गॉस या मैक्सवेल। अगर वेबर पर मीटर स्क्वायर की तरफ देखो तो ये क्या है? इट इज़ अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। इट इज़ अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। इट इज़ अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये तीनों जो है वो क्या हो गया? गलत हो गया। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? वो है मैक्सवेल। और हम कहते हैं 1 वेबर ये बराबर है 10^8 मैक्सवेल के बराबर है, या 1 मैक्सवेल ये किस चीज़ के बराबर है? 10^-8 वेबर के बराबर है, ठीक है। सो मैक्सवेल इज़ द सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। नेक्स्ट हमारे पास है द नॉर्थ पोल ऑफ अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार मैग्नेट इज बीइंग ब्रॉट क्लोजर टू अ वर्टिकल कंडक्टिंग प्लेन अलॉन्ग अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द कंडक्टिंग प्लेन विल बी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, क्लॉकवाइज, या एंटी क्लॉकवाइज। ये एक कंडक्टिंग लूप है और यहाँ पे एक बार मैग्नेट हम लाते हैं परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन ऑफ कंडक्टिंग लूप। कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल है। ये नॉर्थ है और ये साउथ पोल है, ठीक है, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? इट इज़ एंटी क्लॉक वाइज। एक बात जहन में याद रखें, अगर ये हॉरिजॉन्टल से हम मूव करें फिर कौन सा होगा? यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ, तब भी ये क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये यहाँ से हम मूव करें, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल,
तब भी ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर हम ये डाउनवर्ड से मूव करें, यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल, तो ये फिर भी ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, और फिर इसका रिवर्स होगा, वाइस वर्सा। ठीक है, कि अगर ये इसको अपवर्ड करें, इसको इस साइड पे करें, इसको इस साइड पे करें, इसको डाउनवर्ड करें, तो फिर डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। प्लेलिस्ट को ओपन करें, वहाँ पे लेंस ला पे दी, तकरीबन 15 केसेस मैंने किए हैं, वो आप लोग ज़रूर पढ़े, तो ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, वो है पीफन सीरीज लाई इन विजिबल रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन, इंफ्रारेड रीजन, या नन ऑफ अबव। विजिबल रीजन कौन से रीजन में आते हैं, वो बाल्मर में। अल्ट्रावायलेट आता है लाइमन में। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, वो है इंफ्रारेड रीजन। एक्यूरी रिप्रेजेंट अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, रेडियोएक्टिविटी या गामा रेज। क्यूरीज जो है, वो जो हस्बैंड वाइफ था, वो स्ट्रांगली सोर्स ऑफ किस चीज़ का है, वो है रेडियोएक्टिविटी का। बेकरल और क्यूरीज ने क्या पेश किया था, कौन सा फेनोमेना पेश किया था, रेडियोएक्टिविटी फेनोमेना पेश किया था। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, वो है व्हाट परसेंट ऑफ ओरिजिनल रेडियोएक्टिव एटम लेफ्ट आफ्टर 5 हाफ लाइफ। देखो 100% है पहने, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट हाफ लाइफ, ये हो गया सेकंड हाफ लाइफ, ये हो गया थर्ड हाफ लाइफ, ये हो गया 6.25, ये हो फोर्थ, और ये हो गया 3.125, ये हो गया फिफ्थ। ये हो गया, देखो ये फर्स्ट हाफ लाइफ, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये फिफ्थ। तो इसमें देखिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज कंजर्व्ड ऑलवेज, नेवर, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम, या नन ऑफ एवर। मोमेंटम हमेशा के लिए कंजर्व रहेगा, कौन से केस में, जब एक्सटर्नल फोर्स ऑफ अ सिस्टम जीरो हो, क्योंकि आपने पढ़ा है एफ इज इक्वल टू डेल पी डिवाइडेड बाई डेल टी। अब ये डेल पी कब जीरो होगा, जब फोर्स जीरो है, मतलब पी कब कॉन्स्टेंट होगा, जब फोर्स क्या हो, जीरो हो। सो द इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम, मोमेंटम क्या होगा, ये कंजर्व होगा। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन में, वो होगा टेस्ट नंबर 9 5 सितंबर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।